हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज हम आए हमारी यूनिवर्सिटी में, वूस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ वूस्टर में, और यहाँ पे आपको दिखाते हैं क्या नज़ारे हैं क्या नहीं। और उसके बाद में होने वाला एक टेबल मैच, बड़ी ज़बरदस्त आपको दिखाएंगे उसके बाद में। तो चलिए चलते हैं, आपको दिखाते हैं। तो भाई लोगों, हमारी यूनिवर्सिटी में हमें पार्किंग का भी पे करना पड़ता है। जैसे इंडिया में होता है वैसा नहीं है कि यहाँ पे फ्री पार्किंग आपको मिले, यहाँ पे आपको पार्किंग का भी पे करना पड़ता है। कितनी लग रही है दो 16 4 ये ठीक है, ये ठीक है। कितने 3-4 घंटे, कितने 3.5 पाउंड, 3.5 पाउंड में मिल गई अपन को, 4 घंटे ही। 4 घंटे हमारी पार्किंग के स्पॉन्सर है मिस्टर यश यादव, बहुत पैसा है भाई के पास। अरे नहीं नहीं भाई, स्पॉन्सर यही है, पार्किंग का स्पॉन्सर यही है। वो अलग बात है, साला घर जाके बोलेगा डिवाइड बाय टू। वो तो बनता है यार, कट गया भैया। चलो भाई, हो गया। तो हमारे लिए मतलब यूनिवर्सिटी में आपको पार्किंग करनी तो पे करना पड़ता, तो यहाँ पे गाड़ी वालों के लिए बड़े मतलब चौचले रहते हैं हर जगह। आपको फ्री रहते हैं क्या? मतलब गाड़ी वालों को हर जगह, मतलब आप कहीं पार्क नहीं कर सकते, आपको पार्किंग के लिए पे करना पड़ेगा। तो इंश्योरेंस फलाना धमकाना। और आज हमारे साथ हैं जय भाई। राम राम भाइयों को। और जय भाई, आप कहाँ? सीकर। सीकर से भाई। तो एक बार अपनी भाषा में बोलो, क्या हाल है भाइयों के? ठीक हो? तो ये भाई सीकर से, अगर आप राजस्थान से कोई आ रहे हो तो भाई से कॉन्टेक्ट करो। बिल्कुल भाई, खुला। और इंस्टाग्राम आपको आईडी भाई की शेयर कर दूंगा मैं वीडियो के अंदर, तो दबा के बात करो अगर आपको कुछ गाइडेंस चाहिए तो। तो भाई लोगों, ये है यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस। ऐसे मतलब 2-3 कैंपस हो रहे हैं लेकिन मेन यही है, काफ़ी बड़ा है। कितने बीघा में होगा जय भाई? ये होगा 500-600 एकड़ का। 500-600 एकड़। अरे दीदी आ रही है। तो ये मेन कैंपस है वूस्टर यूनिवर्सिटी का, और यहाँ पे क्लासेस वगैरह हो। बैक गेट है। हैं? बैक गेट है। बैक गेट गलत हाथ हो गया। हमें कैंपस तो यही है और क्या है। हाँ भाई, ये 4 दीवार है। हाँ। 4 बिल्डिंग है, और कुछ नहीं है, बस खाली खेत है और कुछ नहीं है। तो भाइयों, अभी अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ पे एक गजब की चीज़। मैं आपको कोई क्लासेस वगैरह नहीं दिखाने वाला कि यहाँ की क्लासेस कैसी होती हैं या क्या होता है सीन। आपको एक यहाँ पे एक थोड़ी डिफरेंट चीज़ है, वो आपको मैं दिखाता हूँ, और अंदर चलते हैं। जो कमाल की चीज़ है, जो अपनी यूनिवर्सिटी में, इंडिया में स्कूलों में नहीं मिलती है, खाली यूके की यूनिवर्सिटी मतलब यहाँ पर ही मिलता है। आपको दिखाते हैं अंदर, और चलिए चलते हैं। और ये हमारी स्टूडेंट यूनियन का, जहाँ पे प्रेसिडेंट वगैरह बैठते हैं, इलेक्शन वगैरह करते हैं, तो यहाँ पे इलेक्शन भी इतना वो नहीं होता। आप इधर देखिए, वो ये है हमारी यूनिवर्सिटी का कैंटीन, और सबसे कमाल की चीज़ है वो इस साइड है। अबे इस साइड ये देखो, खुला स्टॉक। खुली दारू मिलती है यहाँ पे, बियर वगैरह। तो हमारी गवर्नमेंट से, भारत की जो सरकार, उससे यही है कि दारू बंद करने से कुछ नहीं होता, नीयत अच्छी होनी चाहिए डेवलपमेंट में। यहाँ पे देखो किस तरीके से खुली दारू मिलती है, मतलब यूनिवर्सिटी में ही आपको दारू मिल जाती है, दबा के पियो, पे करो और पियो। तो इस तरीके का यहाँ पे माहौल है। तो खाली दारू बैन करने से कुछ नहीं होता, सरकार की नीयत अच्छी होनी चाहिए डेवलपमेंट के लिए। क्यों भाई, क्या बोलते हो? बिल्कुल सही बात है भाई, अपना एजुकेशन सिस्टम बेकार है अभी। हाँ, खुली दारू पियो, दिमाग भी चलता फ्री में एकदम, नो डिप्रेशन, बच्चे अच्छे नंबर लेके अच्छे रहेंगे। और ये हमारी यूनिवर्सिटी में बार, जहाँ पे आप पी सकते हो, खुली बियर ऑर्डर कर सकते हो कुछ भी यहाँ पे। ये हमारी यूनिवर्सिटी का बार। यहाँ पे आप वीडियो गेम वगैरह खेल सकते हो, और यहाँ पे टेबल मैच भी आप खेल सकते हो अगर आप टेबल के शौकीन हो। गजब का मतलब माहौल रहता है यहाँ पे, दारू वारू पियो, एंजॉय करो अपना और पढ़ाई करो। तो अभी बातों बातों में मैच की शर्त लग चुकी है, और मुकाबला है 100 पाउंड का टेबल मैच में, जो जीतेगा वो 100 पाउंड जीतेगा। और ये मुकाबला होने वाला है जय भाई और यश के बीच में। तो रेडी हो भाई दोनों? बिल्कुल ठोके। अब मैं बोलना यादव जी, हार के लिए तैयार हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। Pulling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. I wanna hear it talking shit from the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, 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 never gun down. Dropping bodies in the place till the sun's out. Can't fuck
die, I'm the last one to die. कैसा लग रहा? बस बस पसीना आ रहा है। प्रोफेशनल है ना जय? हाँ तो गिली हो गई है थोड़ी थोड़ी। नर्वस हो? नर्वस गिली हो गई है। ओके अभी मैच माहौल गर्म है। भाई जो उम्मीद नाती वो हो गया। क्या हो गया? यादव जी शॉट ले गए और क्या हो गया? तो प्रॉपर दो बॉल बची है मेरी, छह बड़ी है पूरी पूरी। तो रेडी हो 100 पॉइंट देने के लिए? अभी तो हरा के मानेंगे, हार थक जाएंगे सीकर वाले। तो भाई बता कौन चल रहा है मैच में आगे? अभी तक तो भगवान की दुआ से हम आगे। तुम आगे चल रहे हो? कितना? भाई कोई भी जीते हमारे 50 पाउंड डाल देना खाते में, इतनी मेहनत कर रहा हूँ तुम्हारे लिए। लोगों मैच चल रहा है काफी खतरनाक मोड़ पे, मुझे तो पता नहीं कौन जीत रहा कौन हारा, कोई जीते अपनी पार्टी पक्की है आज, किसी का भी 100 पॉइंट जाए अपने तो पार्टी है बल्ले बल्ले। क्या लग रहा है बराबरी पे? बहुत तगड़ा गेम हो रहा है। क्या लग रहा है फेल दोगे? Pulling out black windows when you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit, fuck the drama. You keep it coming, I'ma send you to your mama. It's the whip quick clip, get the gun. यार जय भाई तुम तो भयंकर ही लग रहे हो खिलाड़ी। कितने साल का एक्सपीरियंस हो गया? साल भर का तो नहीं, यहीं आके क्या मतलब? मेरे को लग रहा है क्लासेज में कम यहाँ ज्यादा पहले हो। भाई दोनों इतने सीरियस होके खेल रहे हैं कि ये बियर पीना भी भूल चुके हैं अपने। अरे भाई बियर तो पी लो इससे पहले कि वो गर्म हो जाए। तो भाई दो बॉल मेरी बची है लाल और दो बची हैं यादव जी की। ये पोर्ट अब कह के लिया है। तो क्या चल रहा है? बॉल है ये चलेगी तो मैच खत्म है। चलो फिर। तो भाई जय भाई चल रहे हैं टॉप पे, अभी लास्ट शॉट ले रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। ओह मिस कर दिया। नर्वस हो गया? बिल्कुल। लो तो जय बाबा की इजी 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 सीरियस गेम था ना। ना 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 ओह भाई ट्रांसफर कर। जय भाई अकाउंट डिटेल। तो भैया जैसा कि बात हुई थी कैश लो जी पे। तो भाई आज के मैच के विनर हैं जय भाई, काफी धुआंदार प्लेयर, क्लासेज में कम गए यहाँ पे ज्यादा खेले। बिल्कुल यहाँ पे सब जानते हैं, इनका स्टाफ डिस्काउंट भी है क्योंकि ये भाई रेगुलर कस्टमर इनके। और ये हमारे यस भाई अच्छा खेले लेकिन तुमने मिस कर दिया, हमारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं, भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे। चलो इस बार 150 पहले बार पक्की बात है क्या? 150 बहुत बड़ी रकम होती है वैसे इंडिया के हिसाब से ना। अब वैसे 10,000 ऑलरेडी भाई नीचे हैं और ये 15,000 और होना चाहते हैं। तो भाई लोगों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, खाली एंटरटेनमेंट के लिए वीडियो बनाया था, दारू वारू प्रमोट करने का हमारा कोई वो नहीं है इसका पर्पज। अगर आप चैनल पे नए हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और ठोक के सब्सक्राइब करो। राम राम सब भाइयों को। तीन मोड़